राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ माघ मास महात्म की कथा का 19वां अध्याय। बंधुओं, जो मनुष्य भी माघ मास में माघ मास महात्म की कथा को सुनते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। उनका हर असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, जो माघ मास में स्नान करते हैं और माघ मास महात्म की कथा को सुनते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, गुरुदेव की जय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी, आज हम थक गई और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वहाँ वहाँ किया, जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया। कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली, जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म का फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, तो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहां हम अनोखी नारियां, कहां आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, वर्ती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने उसका आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर
अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हम निरअपराधियों को वृथा क्यों शाप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए। बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार यह पिशाच उस सरोवर पर इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अक्षोभ सरोवर पर स्नान करने आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांध कर उनके चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा, हे मुनिवर, यह सभी शाप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे। पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।